क्या नाम है आपका? जोहान। जोर से बोलो। बोल जोहान। सही है। बोल जोर से। बोल जोहान। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हो आप सब? इंशाअल्लाह सब ठीक होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। तो आज हम जा रहे हैं हमारी बड़ी बहन की बेटी के घर पे, तो हम सोचे चलो आप लोगों को भी साथ में लेकर चलते हैं, आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा। और ये बच्चे से तो आप लोग ने मिल चुके होंगे स्टार्ट में। जोहान को, ये बच्चे को बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था जो हमारी बहन का बेटे का वीडियो हमने डाला था, तो वो शौक से देख रहा था, तो उसने बोला कि हमारी भी आवाज़ डालिए। तो कितना प्यारा बच्चा है, तो उसकी आवाज़ भी हमने रहने दी है जोहान की। तो हमें उम्मीद है इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगा। शर्मा भी रहा था लेकिन उसको बहुत अच्छा लग रहा था, जैसा बहन का बेटा बड़ा वाला, उसका वीडियो हमने आपके साथ शेयर किया है, तो वो इन्हें देखा था बच्चे ने, तो उसको बहुत अच्छा लगा। तो इसके लिए बच्चे को भी बहुत अच्छा लगेगा, बच्चे के लिए एक लाइक ज़रूर कर देना, बहुत प्यारा बच्चा है। शर्मा भी बहुत रहा था लेकिन बहुत ही क्यूट है। तो हम जा रहे हैं बहन के बेटी के घर पे। तो मैं, हमारी बहन को एक ही बेटी है और दो बेटे हैं। बेटे से तो आप मिल चुके हो बड़े वाले वीडियो जो हमने डाला है, और ये बेटी से भी आप ज़रूर से मिलेंगे इंशाल्लाह अगले पार्ट में। और ये पार्ट पहला है, इसमें हम वॉइस ओवर कर रहे हैं, तो दो पार्ट में वीडियो अच्छा भी लगेगा, ज़्यादा बड़ा भी नहीं होगा। और ये सजेशन हमारी समदन का ही है, बहन की समदन हमारी समदन है ना, अलग अलग थोड़ी है। तो समदन का ही आइडिया है, तो उनका नाम ज़ारा है। तो ज़ारा आप बहुत बहुत शुक्रिया आपको सजेशन देने के लिए, हमें बहुत अच्छा लगा। और ये आपके सजेशन की वजह से ही हमने दो पार्ट में वॉइस ओवर करना स्टार्ट किया है, तो अगला पार्ट कल आएगा। तो आपका तहे दिल से बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और आप लोग भी, मेरे व्यूवर्स जितने भी हैं, कुछ ना कुछ सजेशन ज़रूर से दिया करो। आपके सजेशन का, आपके आइडिया का हमें भी बहुत ज़्यादा इंतज़ार होता है और अच्छा भी लगता है। जैसा ज़ारापा ने दिया है तो हमें बहुत अच्छा लगा, तो उनका तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है और अपने दिमाग इतना चलता नहीं है कैसे करे क्या करे, तो उन्हीं का सजेशन है ये। तो उन्हीं के सजेशन पे हमने दो पार्ट में इसको किया है। तो यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं मुमरा, और हम जा रहे हैं उनके घर पर। तो ये देख लीजिए, सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते हम लोग आ चुके हैं, पहाड़ पर आ चुके हैं। आप लोग देख लीजिए नज़ारा कितना प्यारा है, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही प्यारा है। और बहुत ही अच्छी फैमिली है फ्रेंड्स, आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा और कल जो आएगा वीडियो वो भी देखिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। और ये झरना है, यहाँ से पानी बहता है लेकिन अभी नहीं है, जब बारिश आती है तब बहता है। नीचे हम आपको दिखा रहे हैं, हम सीढ़ियों से ऊपर जा रहे हैं, यहाँ पर खुला है। तो ये हम पहुँच चुके हैं घर के अंदर, और ये हम ऊपर चले गए थे छत के ऊपर टेरिस पे, तो वहाँ का नज़ारा है माशाल्लाह, आप देख सकते हो यहाँ से ट्रेन भी जाती है और पूरा समंदर ही समंदर नज़र आ रहा था। कितना अच्छा नज़ारा है मेरे अल्लाह पाक की, कितनी शान है, हरियाली हरियाली दिख रही थी, इतना अच्छा लग रहा था बहुत ही ज़्यादा। तो आप लोग इन्जॉय कीजिए, आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा हमें उम्मीद है। और ये देख लीजिए टेरिस पे हम लोग सब बैठे थे, ठंडी ठंडी हवा आ रही थी, और मेरे अल्लाह पाक की शान देख सकते हो आप, कितना हरियाली हरियाली है माशाल्लाह माशाल्लाह। और हर तरफ जिधर नज़र फिराए उधर हरियाली और पानी ही पानी, बहुत ही अच्छा लग रहा था अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो हम सोचे चलो ये वीडियो मेरे व्यूवर्स को ज़रूर से पसंद आएगा, बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को भी, तो पूरा वीडियो आप ध्यान से देखिएगा। और ये शाम हो चुकी थी, कितना अच्छा लग रहा है आप देख सकते हो, बादल देख लीजिए, आसमान देख सकते हो, कितना अच्छा नज़ारा है। तो शाम का वक्त हुआ था, हम लोग सब यहाँ पर टेरेस पे बैठे थे, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, इतना अच्छा लग रहा था, क्या मन ही नहीं कर रहा था बच्चे लोग का घर पे आने के लिए, बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, इतना अच्छा लग रहा था। दिल कह रहा था क्या इधर ही बिस्तर डाल कर सो जाए, इतनी ठंडी हवा चल रही थी ना, कितनी अल्लाह पाक की शान है। पूरे गाँव की याद आ रही थी, कितनी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, गाँव की भी याद आ रही थी, और हमारे अल्लाह पाक का जो जितना शुक्र अदा करे उतना कम है कि अल्लाह पाक की ये जो ठंडी ठंडी हवा है मेरे परवर दिगार की शान है। और ये नज़ारा तो इतना अच्छा लग रहा था फ्रेंड, जितना देखो उतना कम ही लग रहा था, जिधर नज़र फिराएंगे उधर बहुत ही प्यारा नज़ारा लग रहा था। तो हम सोचे चलो आप लोगों को भी पसंद आएगा कुछ नया सा अलग सा, हमें उम्मीद है। और यहाँ पर देख लीजिए पहाड़ पर भी रोड है, उधर से भी गाड़ी आ जा रही थी। तो ये मुंबई में रहते हैं मुमरा में,
तो वहीं पर बहन की लड़की की शादी हुई, उनका ससुराल है। ससुराल वाले भी बहुत अच्छे हैं, फैमिली वाले सब माशाल्लाह बहुत प्यार मोहब्बत से रहते हैं सब। और नानी सास है, नाना ससुरे हैं, मुमानी सास, खाला सास, सब बहुत अच्छे हैं फैमिली वाले। और सास तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे, हस्बैंड भी बहुत अच्छे हैं। तो अल्लाह पाक से यही दुआ है कि अल्लाह पाक हर बेटी को ऐसा ससुराल दे अल्लाह पाक कि माँ की याद ना आए। जब हमारी बहन की बेटी आ रही थी तो इतना रो रही थी, बहुत रो रही थी, लेकिन वो हमने बिल्कुल भी शूट नहीं किया। तो अल्लाह पाक ऐसा ससुराल हर बेटी को नसीब करे। कोई बेटी ऐसा होता है कि ससुराल से माँ के यहाँ पर आने के लिए रोती है, लेकिन प्यार रुलाता है, मोहब्बत रुलाती है। और जिस घर में बड़े बूढ़े होते हैं उनकी प्यार, उनकी दुआएं अलग ही होती है, उनकी दुआएं बहुत अच्छी लगती है, उनके साथ में रहना बहुत अच्छा लगता है। जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है फ्रेंड्स, हमारी तारीफ़ कम पड़ जाएगी। इतनी अच्छी फैमिली है, तो अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक दुनिया की हर बेटी को ऐसी फैमिली दे, ऐसा ससुराल दे। आमीन सुम्मा आमीन। बेटी के घर पे हम किसके लिए आए हैं ये सब देख के आप पहचानिए, अंदाज़ा लगाइए हम किसके लिए आए हैं। तो चलो बता ही देते हैं, आगे के वीडियो में तो आपको समझ आ ही जाएगा कि हम किसके लिए आए हैं। तो पहला बच्चा होता है तो गोद भराई होती है, वही रस्म करने के लिए हम लोग आए हैं सब फैमिली वाले। तो ये सब रखा हुआ है, इसे देख के तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा। तो हम लोग इसको सतवासा बोलते हैं, जिसे गोद भराई भी बोलते हैं। तो वही सब करने के लिए हम लोग आए हैं। बहुत ही अच्छा फंक्शन था माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्या क्या रखा हुआ है। तो ऐसी हमारी उधर की रस्म होती है, ये रस्म तो आपको कल की वीडियो में देखने मिलेंगी कि कैसे की जाती है। तो कल का वीडियो आप देखिएगा, उसमें आप लोगों को पूरा पूरा समझ में आ जाएगा। तो बेटी की माँ की तरफ से सब फ्रूट होते हैं, 7 फ्रूट होते हैं और फूल होते हैं, मतलब फल फ्रूट। दामाद को कपड़े, बेटी को कपड़े, और रिश्तेदार आते हैं तो वो भी लेकर आते हैं। तो हमारी जिठानी ने भी लेकर आए, और हम भी आंटी लगते हैं, खाला लगते हैं, तो हमने भी लेकर आए। तो सब अपनी मर्ज़ी से लेकर आते, लेकिन फूल और फल का ज़्यादा रहता है यहाँ पर। गिफ्ट भी लेकर आए हमारी देवरानी ने, मिठाई भी है, जिठानी ने भी लेकर आए हैं, फ्रूट है सब, 5 फ्रूट, 7 फ्रूट ऐसे लेकर आना होता है। तो ये रस्म आपको देखने मिलेगी कल, आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा आपको भी इंशाल्लाह, ज़रूर हमें उम्मीद है। ये जुहान का हमने पहले ही डाल दिया है, क्योंकि हम सोचे हमारे जहन से निकल ना जाए, हम भूल ना जाए, फिर बच्चा नाराज़ ना हो जाए, इसके लिए पहले ही डाल दिया है, क्योंकि बीच में फिर वॉइस ओवर करते करते बिल्कुल भी याद नहीं रहता है। जुहान बड़ी आपा का पोता है, जो ग्रीन ड्रेस में बैठे वो हमारी बड़ी आपा है, उनके बाजू में बहू है, उनका नाम सना है। तो कैसा लगा जुहान का नाम कमेंट करके ज़रूर से बताना, बच्चे ने अपना नाम बताया आप लोगों को। आगे आपको छोटे बच्चे लोग का डांस देखने मिलेगा, इतने छोटे छोटे बच्चे इतना अच्छा डांस किए हैं, बहुत ही अच्छा। और बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि डांस क्लासेस लगी हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है, घर पे बच्चे गाने लगा कर डांस सीखते हैं। तो हमने वो भी थोड़ा शूट किया है, तो वो भी आप लोग ज़रूर से देखिएगा। और हमारी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक दुनिया में हर बेटी हर बहू को ऐसी फैमिली मिले, ऐसा ससुराल मिले कि अल्लाह पाक कभी कभी उसको अपने मायके की याद ना आए, जैसे हमारी बेटी को कभी याद ही नहीं आती है। तो ऐसी हर बेटी हर बहू को अपने मायके की कभी याद ना आए, इतना उनको ससुराल में प्यार और मोहब्बत मिले, और ऐसी फैमिली मिले, ऐसा हस्बैंड मिले। अल्लाह पाक से यही दुआ है, हमेशा हमेशा अल्लाह पाक से यही दुआ है कि अल्लाह पाक हर बेटी हर बहू को हमेशा हमेशा खुश रखे अपने ससुराल में। आमीन आमीन। तो छोटे बच्चे यहाँ पर डांस कर रहे थे, तो गाना यहाँ पर हमको डालना था, लेकिन हमारे समझ में नहीं आ रहा कि गाना हम कहाँ से ले बिना कॉपीराइट इशू। तो अगर जिस किसी को भी मालूम होगा तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर से बताना कि हम गाना कहाँ से लेकर डाल सकते हैं कि कॉपीराइट का इशू ना हो। हमने गाना अगर डाल दिया तो कॉपीराइट इशू हो जाता है, इसके लिए यहाँ पर हमने गाना नहीं डाला है। बच्चे लोग ने बहुत अलग अलग गाने पर डांस किया है, लेकिन क्या कर सकते, हम गाना नहीं डाल सकते यहाँ पर। तो किसी को भी अगर पता हो, बहुत सारे लोगों को पता है, बहुत सारे लोग डालते हैं सॉन्ग्स, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर से बताना कि आप लोग कहाँ से लेते हो सॉन्ग्स नो कॉपीराइट इशू, ज़रूर से बताना, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी और हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करेंगे, ज़रूर ज़रूर इंशाल्लाह। हम ऐसे वीडियो डालना चाहते हैं, गाना डालना चाहते हैं, लेकिन तो प्लीज़ अगर जिस किसी को भी पता हो कि गाने कहाँ मिलेंगे हमको,
हम कहाँ से डालें, हमारे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था। इसके लिए हम सोचे चलो हमारे व्यूवर्स जिसको भी मालूम है, जितने अगर भी यूट्यूबर है उन लोग को मालूम है तो कोई तो वीडियो देखेगा तो हमारी मदद हेल्प ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह, हमें उम्मीद है। तो आपके कमेंट का हमें बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट कीजिएगा। छोटे बच्चे हैं, क्या हुआ डांस किए तो अच्छा लगता है, बच्चे खुश हो जाते हैं, उसमें क्या बुराई है। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप भी उनको अच्छे से रखते हैं, लेकिन बच्चे जब छोटे होते हैं तो उनको इंजॉय करने देना चाहिए, तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो प्यारे प्यारे आपको कमेंट करना है, वीडियो कैसा लगा ज़रूर से बताना है। तो मिलते हैं कल वीडियो के साथ जल्द इंशाल्लाह। तब तक अपना और अपने फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिए, हमें अपनी दुआओं में याद रखिए, और ये थोड़ी सी झलक आप लोगों के लिए। तो चलिए अल्लाह हाफिज़।